लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज दीपक वर्मा का घर नीलाम हो गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, घर से बेघर हो गए, उसके जिम्मेदार तुम हो टकराल, तुम। मैं कैसे? आखिर पता लग ही गया ना कि दीपक वर्मा बेकसूर था। तुम भी कमाल करते हो गुप्ता, दीपक वर्मा बेकसूर था ये तो मैं शुरू से ही जानता था। हाँ, लेकिन मेरा काम था उसे फांसी दिलाना, मैंने दिला दी। शर्मानी चाहिए तुम्हें ठकराल, कानून की तलवार से कानून का ही खून किया तुमने, एक सुखी घर को बर्बाद कर दिया तुमने, बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? गुप्ता जी, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। सरकार ने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, भेज दीजिए कहीं। चलो ड्राइवर। इसे अपना ही घर समझो, लो खाना खा लो, बहुत भूख लगी है ना? इंदु बेटा, इनका ख्याल रखना। जरा अंदर आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ आया, इनका ख्याल रखना। अजी आइए ना। आया ना। मैं कहती हूँ आप इस घर को समझा क्या है, जिसे देखो उठा लाते हो। शांति, बच्चे भूखे हैं, अनाथ हो गए हैं बेचारे। मेरे बाप ने आपको ये मकान इसलिए रहने को नहीं दिया था कि इसे अनाथ आश्रम बना डालो। देखो जी, मैं कह देती हूँ, गली कूड़े का करकट इस घर में मत लाना। इन्हें रोटी खिलानी थी, खिला दी, बस हो गया, मुझसे ये जंजाल नहीं संभाला जाएगा। कह दो इनसे। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। इंदु जी, कहाँ गए ये दोनों? वो लोग चले गए पापा। कहाँ? मालूम नहीं। अंशु, ये सब टाइप करवा लेना और कल ये पेपर्स कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं। जी सर। और वो ठकराल साहब ने जो केस जीता है उसकी पूरी फाइल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से मंगवा लेना। जी सर। सर आपसे एक बात पूछूं? आप खुद इतने बड़े वकील हैं, फिर ठकराल साहब की सारी फाइलें मंगवाकर आप क्यों पढ़ते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं कहीं आपसे कोई गलत बात कह गया हूं तो? नहीं, कोई बात नहीं। मैं ठकराल साहब के एहसानों की वजह से वकील बना हूं मनसूख, उनके हर दाव पेच, हर तरीके, हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूं, इसलिए कि एक मुकदमा वक्त की अदालत में परसों से चल रहा है और वो मुकदमा मुझे ठकराल साहब से जीतना है। कोमल, कोमल, अरे रामू, ये ब्रीफ के जरा कमरे में रख देना। जी साहब। ये फाइल केशव दे गया? अच्छा रामू, ये कोई मोटी फाइल दे गया केशव? जी बस यही फाइल दे गया है। बस यही? जी हाँ। कल जोहर साहब की केस की तारीख और ये? मिस्टर लॉयर अरुण वर्मा, आपको कोर्ट केस गवाह सबूत और मिलोट के अलावा भी कुछ याद रहता है? हाँ, ये याद रहता है कि मेरी एक छोटी बहन है कोमल, बहुत अच्छी और प्यारी थी, बस जरा नाराज जल्दी हो जाती है, मना तो मन भी जाती है। जो याद रखने की बातें उतनी याद रहती हैं। ओ, तो इतनी अच्छी याददाश्त के लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। ये लीजिए। ये क्या? शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। मगर ये अचानक किस लिए? ये इसलिए, एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि कुछ जमाने पहले आप वकालत के अलावा और भी कुछ शौक रखते थे, और दूसरी बात ये कि आज आपका जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया? मेरे भैया को हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत अच्छा प्रेजेंट। भैया, ये तोहफा मैंने तुम्हें तुम्हारे दुख याद दिलाने के लिए तो नहीं दिया था? नहीं कोमल, याद वो बातें दिलाई जाती हैं जो आदमी भूल गया, लेकिन ये वो दुख है जो पल भर के लिए ना कभी तुम भूली हो ना मैं, याद है मुझे सब कुछ।
बहुत अच्छी तरह याद है। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स नेक्स्ट सर? आज शाम महाराजा बहरामपुर से आपका अपॉइंटमेंट है और 12 बजे लेडी दराब शाह। ये लेडी दराब शाह के केस की तारीख कब है? जी इसी महीने की 18 तारीख और अभी आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर दिनेश माथुर। डॉक्टर माथुर, मैं आपकी पत्नी का केस अच्छी तरह समझ गया, बट आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकूंगा। ऐसा मत कहिए ठकराल साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं और अगर आपने ही शहर का सबसे बड़ा वकील होने की प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं डॉक्टर माथुर। मेरे पास इतना काम है, इतने केसेस हैं कि कोई भी नए केस के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी बीवी निर्दोष है ठकराल साहब, आप जितनी फीस चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर माथुर, मेरा एक ही जवाब है, आई एम सॉरी। श्रीकांत। यस सर। देखना दयाल साहब आए हैं क्या? हाँ जी वो आ गए। सेंड दयाल इनसाइड। ओके ठकराल साहब। दैट्स ओके। सर वक्त तो निकाला भी जा सकता था और वो मुमा की फीस भी देने को तैयार था, फिर तुम नहीं समझोगे श्रीकांत, उसकी बीवी डॉक्टर आशा माथुर पर मरीज को दवा में जहर देने का इल्जाम है। सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। इट्स टोटली अ फ्लॉप केस और मुझे ना तो केस हारने का शौक है और ना ही केस हारने की आदत। क्या हुआ जीजा जी, आप वकील ठकराल से मिलने गए थे? गीता, सब जानते हैं कि आशा निर्दोष है, लेकिन केस इतना उलझा हुआ कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। गॉड नोज अब क्या होगा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे मिला जाए। मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता है मिस गीता, अरुण वर्मा झूठे केस नहीं लेता। मगर अरुण वर्मा साहब, मेरी दीदी निर्दोष है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर आप मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अदालत में यह साबित नहीं किया जा सकता, ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब ना हो तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फायदा, यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस गीता श्रीवास्तव, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुण वर्मा। अगर कोई मासूम, कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए, मगर आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से और अपनी कामयाबी से। मिस गीता श्रीवास्तव, इस फाइल को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि डॉक्टर आशा माथुर एक ऐसी बेईमान और करप्ट डॉक्टर है जिसने अपने मरीज को जानबूझकर जहर दिया, मगर आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर चिल्लाने को तैयार है कि आपकी बहन मासूम है, निर्दोष है। हाँ हाँ वो निर्दोष है। सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अगर है तो लाइए, मैं सुनने को तैयार हूं, लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो क्या वो निर्दोष नहीं होता? बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते हुए झूठे वो भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलकर कोई खुशी हुई। गुड बाय मिस्टर अरुण वर्मा। डॉक्टर आशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूं। आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है? आपकी छोटी बहन मेरे पास आई थी। मिसेस माथुर, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन डॉक्टर माथुर पूना गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। हेलो हेलो डॉक्टर आशा, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे नेस्ट्रोल 500 दे दो। डॉक्टर आशा, नेस्ट्रोल 500 तो हमारे स्टॉक में है ही नहीं। अच्छा मेरे पास है, मैं भी लाती हूँ।
242 बीपी 140 to 240। लो दवाई पी लो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर कहाँ? अपने कैबिन में। अच्छा डॉक्टर, इनकी नब्ज बंद हो गई है। क्या कर दी? जी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। दवा में जहर किसने मिलाया, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर माथुर, मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। जगा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को वही दवा पिलाई हो जो वो घर से लेकर आई थी। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर ने हॉस्पिटल में वही जहरीली दवा पी जो टोनी ने आशा माथुर के बैग में प्लांट की। देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो, बल्कि अपना अंकल समझकर बताओ कि वो दवा की शीशी के बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदल ली? अंकल, दामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसका मुंह बंद रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उस रात मैं एक इलेक्ट्रिशियन के बेस में हॉस्पिटल में मौजूद था। वही दवा डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को पिला दी। अगर यह बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। आशा माथुर को दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता, क्योंकि दवा में जहर है। इट्स ए क्लियर एविडेंस। डॉक्टर माथुर, इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, बहुत कम, ऑलमोस्ट निल। हाँ, एक बात है, अगर जहर को खून में शामिल होने से पहले स्टमक से निकाल दिया जाए तो कुछ। और ये जहर खून में कितने देर में शामिल हो जाता है? 2 मिनट लग सकते हैं और कभी कभी 2 घंटे भी। फिर आदमी के बचने का कोई चांस नहीं? नो नो नो, नो चांस, नो चांस एट ऑल। सुना है ठकराल ने यह केस लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि कोई वकील यह केस जीत ही नहीं सकता। मैं जीतूंगा। मै लॉर्ड, तमाम सबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में यह बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथुर ने ही दामोदर प्रसाद का खून किया, और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथुर दामोदर प्रसाद के वास्ते लाई थी इस वक्त अदालत में मौजूद है, और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं खतरनाक जहर है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। वकीले सफाई, मुलजिमा डॉक्टर आशा माथुर की तरफ से आप अपने गवाह और सफाई पेश कर सकते हैं। यस योर ऑनर। अरे सुनो माय लॉर्ड, ये सच है कि दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए खास गवाह बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और यह भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर हॉस्पिटल गई थी। और यह भी सच है कि इस दवा के पीने के 1 मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया। लेकिन इन तमाम बातों से यह साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर है। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है।
और मैं कहता हूं ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट मे लॉर्ड, वकील सफाई भूल रहे हैं कि यही इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो ये साबित करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है? जी हां, इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है माय लॉर्ड, जो कहती है इसमें जहर। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को छुटलाता हूं, इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, सिर्फ दवा जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा आपके पास मिस्टर वर्मा, इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है? जी हां, सबूत और गवाह दोनों मैं हूं, सिर्फ मैं। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। ये दवा है या जहर, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता। थैंक यू मिस्टर रावल। अदालत समझती है कि यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर प्रसाद का खून किया है, और प्रोसिक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के झूठे होने की गुंजाइश है, इसलिए यह अदालत डॉक्टर आशा माथुर को बाइज्जत रहा करती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अरुण वर्मा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा, बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वर्मा। कांग्रेचुलेशन वर्मा जी। कैसे हैं? ठीक है, अभी तक तो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है। जहर बहुत फैल गया था, थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आशा, मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। लेकिन लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ एक केस जीतने के लिए? नहीं, उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोष है, और उन्होंने कहा था कि निर्दोष को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते। ये कुछ अलग ही आदमी है।